नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टीव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जोसेफ 250 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जो जोसेफ 250 mg टैबलेट मार्केट में आती है, अल्केम कंपनी की आती है, 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है उसकी कीमत रहती है 350 रुपये और 50 पैसे, यानी 350 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो जोसेफ 250 mg टैबलेट मार्केट में आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए चलती है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वजह से कुछ तकलीफ है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कुछ इन्फेक्शन है, पेशाब में कुछ तकलीफ है, जलन है, उसमें से खून आ रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दवा दी जाती है। आल्सो यूजफुल इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपको टॉन्सिल की तकलीफ है, लंग की तकलीफ है, निमोनिया की तकलीफ है, तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों स्किन से जुड़ी कुछ तकलीफ है, स्किन की तकलीफ है, सॉफ्ट टिश्यू की तकलीफ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी दवा दी जाती है। दोस्तों अगर सर्जरी के बाद में आपको कुछ इन्फेक्शन है, सर्जरी के बाद कुछ जख्म है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी दवा दी जाती है। जो जख्म है उसको सुखाने का काम ये दवा करती है, कुछ इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम भी ये दवा करती है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसको हायर एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर सेफुरॉक्सिम 250 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से रैशेस आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है, नौसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों डोसेस के बारे में देखें, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। जनरली इसको दिन में से 2 बार लेना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया हेयर एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।